16 नवंबर को ओरियन स्पेस क्राफ्ट लॉन्च होने के 25 दिन बाद यानी 11 दिसंबर को चंद्रमा के ऑर्बिट से धरती पर आने को तैयार है। भारतीय समय के अनुसार 11 बजे मैक्सिको में उतरेगा। ओरियन स्पेस क्राफ्ट नासा के आर्टिमिस मिशन का हिस्सा है, जो कि नासा के इंसानी मून मिशन का पहला चरण है। किसी स्पेस क्राफ्ट की लॉन्चिंग के बाद सबसे अहम पड़ाव उसके वापस आने का होता है। वजह है वापस आने वक्त सबसे ज्यादा रिस्की होना, इसलिए ओरियन के फ्लैश डाउन होने पर सभी की नजरें हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि किस प्रकार से ये ओरियन स्पेस क्राफ्ट चंद्रमा से धरती पर आएगा। दरअसल ओरियन स्पेस क्राफ्ट चंद्रमा की ऑर्बिट से धरती पर आते समय 3 हिस्सों में बंट जाएगा। ये 3 हिस्से होंगे लॉन्च एबर्ट सिस्टम, क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल। जैसे स्पेस क्राफ्ट चंद्रमा की ऑर्बिट से अंतरिक्ष में प्रवेश करेगा, सबसे पहले नाक की तरह दिखने वाला लॉन्च एबर्ट सिस्टम उससे अलग हो जाएगा। इसके बाद ओरियन धरती की वातावरण के पास पहुंचेगा तो क्रू मॉड्यूल से सर्विस मॉड्यूल अलग होगा। सर्विस मॉड्यूल ही स्पेस क्राफ्ट का मेन इंजन होता है। जब ओरियन क्रू मॉड्यूल धरती के वातावरण की ओर बढ़ेगा तो उस वक्त उसकी स्पीड 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी और तापमान बढ़कर 2760 डिग्री का हो जाएगा। दरअसल जब स्पेस क्राफ्ट अंतरिक्ष से धरती की ओर बढ़ता है तो हवा में मौजूद घर्षण से इसका तापमान बढ़ जाता है। इसे कंट्रोल करने के लिए क्रू मॉड्यूल में एक हीट शील्ड लगी होती है जो इसके बढ़ते तापमान से बचाती है। धरती के वातावरण में आते ही क्रू मॉड्यूल की स्पीड कम होकर 483 किलोमीटर पर घंटे हो जाएगी और धरती से 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर इस पे लगे 3 पैराशूट खुल जाएंगे। पैराशूट खुलने की वजह से क्रू मॉड्यूल की स्पीड 32 किलोमीटर प्रति घंटे की हो जाएगी और ये क्रू मॉड्यूल मैक्सिको के बाजा कैलिफोर्निया में प्रशांत महासागर में गिर जाएगा। स्पेस क्राफ्ट को धरती पर लाने की इस टेक्निक को स्प्लैश डाउन कहा जाता है। वहीं अगर नासा का ये मिशन सफल रहा तो अगली बार इंसान यान में बैठकर चांद के चक्कर लगा सकेंगे और फिर चांद की सतह पर उतर भी सकेंगे। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहें द खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद।